हाँ, मेरे बाबूजी की रक्षा करना, वो किसी को मारने गए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो विजय होकर आए। पहाड़ सिंह, मुरादाबादी पहाड़ सिंह। मुझे कुछ मत करो पहाड़ सिंह, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। मानता होगा वरना पहाड़ सिंह मजबूर कर देगा। पत्थर की खान और लकड़ी के महल मैं तुझे दे दूंगा, मुझे जिंदा जाने दो यहाँ से। तो तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये पहाड़ सिंह जब किसी काम का बीड़ा उठाता है तो उसे अंजाम दिए बगैर नहीं रहता, ये सारा गांव जानता है। तुमने पत्थर की खान में जितने भी पैसे लुटाए वो सब के सब तुम्हें दे देगा ये थॉमस। दूंगा। सुना तुमने? अपने पैसे लेकर कहीं दूर चला जा तू, सुना नहीं? चल यार। मकोड़े की तरह रोंद कर रख दूंगा। पहाड़ सिंह, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हाँ मैं। चलो पहाड़ सिंह, चलो मेरे साथ। अरे चलो भी। कब आए गांव से? 4 दिन हुए। तो आज वक्त मिला है मुझसे मिलने का? मैं आने ही वाला था मगर। पहाड़ सिंह, काम की बात कर। मेरा बेटा वो मर गया। उसका खून कर दिया गया। किस जलील और कमीने की हरकत है ये? नहीं जानता, जब वो घर आ रहा था 3-4 नकाबपोशों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम ही बताओ उनकी मेरे बेटे से क्या दुश्मनी हो सकती है? हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे राघव, फिक्र मत करो। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे फिर काट के नदी में बहा देंगे। नहीं पहाड़ सिंह, आज तक मैंने जितने भी पाप किए पता नहीं शायद ये उसी की सजा हो, इसीलिए मेरा बेटा मुझसे। नहीं पहाड़ सिंह, मैं ये सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। दूसरों के घर को बर्बाद करके हमें अपना घर नहीं बसाना चाहिए पहाड़ सिंह। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे पापों की सजा हमारे बच्चों को मिले। नफरत सी हो गई है इस गुंडागर्दी से। तुम भी छोड़ दो पहाड़ सिंह। भाग गया? अरे अंतनी भाग गया, तुमने जैसा कहा उसने ठीक वैसा ही किया। अब पत्थर की खान और लकड़ी का मिल मेरा है। ये लो तुम्हारा हिस्सा, जितना तुमने मांगा था उससे ज्यादा है, फिर मिलेंगे। यार राघव, तुम्हें पता है एक जमाने में ये सारा गांव मेरे दादा परदादा के अधीन में थे। जुआ खेलने के लिए पैसों की कमी थी, इसलिए मेरे दादाओं में से किसी एक ने छोटी सी रकम के लिए इस गांव को बेच दिया। राघव, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ। सही वक्त पर पैसे नहीं मिलने की वजह से मेरे दादाजी के दुश्मनों ने मेरे बाबूजी का कत्ल कर दिया और मुझे अनाथ बना दिया। खून से लथपथ मेरे बाबूजी के जिस्म को देखते ही मैंने ठान लिया कि खून का बदला खून से ही लेकर रहूंगा। पैसे कमाने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हुआ ये पहाड़ सिंह। मेरी इजाजत के बगैर एक मक्खी भी उड़ नहीं सकती इस गांव में, और ये इस पहाड़ सिंह का दावा है। अगर गलती से एक मक्खी भी आ गई तो पहाड़ सिंह को हफ्ता देने के बाद ही आ सकती है। और रही मेरे बेटे की बात, मैं उसे पढ़ा लिखा कर कोई डॉक्टर या कलेक्टर नहीं बनाऊंगा, उसे एक नामी गुंडा बनाऊंगा, पहाड़ सिंह से भी बड़ा गुंडा। सारा गांव उसके नाम से थर थर कांप उठेगा और कांपना होगा। बंसी, जरा दारू की बोतल तो लेकर आना।
रमेश, तूने सोचा तो यहाँ से भाग निकलेगा? तूने हमारी फैक्ट्री के सामने हड़ताल करने की जरूरत क्यों की? सलीम, वो कागज लाना। आज से तो डेस्क में साइन कर। मुझे डरा कर कागजात पर साइन कराना चाहता है? साइन कर। कहाँ ना साइन कर? जल्दी। मुरादाबाद वालों को तुम नहीं जानते हो, मैं बंसी के गांव का रहने वाला हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उठ बे। सलाम भाई। राजेंद्र। अपुन हरीश। जॉनी। मैं जमाल। विजय। कहाँ से आ रहे हो? अपुन लोग हरदोई बंसी के आदमी है, यानी कि मुरादाबाद की सेना। हेलो, तेरी ये मजाल कि हमारे मुरादाबाद के लड़के को मारा तूने? ओ तो ये बात है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। नाम है मेरा हैदर, हैदर अली। थॉमस, मेहमानों की खातिरगिरी नहीं करोगे? मुरादाबाद के किसी को कोई माता है तो दर्द उसे नहीं होता, बंसी को होता है। ए घोचो, यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। नमस्कार, हमारे मुरादाबाद ग्राम पंचायत की ओर से पूरे 5 पत्थर की खानों की आज नीलामी होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिए। इस नीलामी में भाग लेने वाले आप सबको बोली लगाने का पूरा हक है। इस पंचायत सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। क्यों शंकरलाल, हवा में क्यों तीर चला रहे हो? सरकारी कामकाज है ना प्रेसिडेंट जी, सरकारी कामकाज में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सच कहा ना मैंने? नमस्ते सर। मैंने सोचा था कम से कम इस बार लोग नीलामी में आएंगे, लेकिन वो सपना भी टूट गया। यहाँ नीलामी में आने वालों को गुंडों के तलवे भी चाटने पड़ते हैं। ये फाइल हाथ में रख के क्या कर रही हो? जाके उसे कबूल में रख दो, मुझे म्यूनिसिपालिटी ऑफिस तक जाना है। नीलामी में बोली लगाने के लिए आया हूं। नाम है एंटोनी जोसेफ। हुजूर, यहाँ के कानून से वाकिफ हो ना? वाकिफ हूँ।
बंसी की वजह से ही तुम उन्हें सावधान कर रहे थे ना, लेकिन वो भी बहुत पहुंची व्यस्ती है। सही फरमाया, बंसी इस नीलामी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है और लोग इसके नाम से दुम दबाकर भाग जाते हैं। जानता हूँ और जानने के बाद ही यहाँ आया हूँ। हाँ ठीक है चलो। धूल उड़ाती हुई कार जब पंचायत ऑफिस के सामने आकर रुकी तभी समझ गया मैं कि तुम बोली लगाने आए हो। बोल तेरे साथ क्या किया जाए। प्रेसिडेंट जी, यहाँ के कायदे कानून के बारे में तुमने इसे नहीं बताया क्या? 10% हमें देना होगा भैया, और फिर हर महीने में तुम्हें। वो जानता हूँ, तेरे बंसी ने उसे हफ्ता का नाम दिया है। ये रिवाज उसके बाप मुरादाबादी पहाड़ सिंह के जमाने से चला आ रहा है, ये भी जानता हूँ। ये तो मामूली बात है, सब जानते हैं, मगर आप उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। और अपुन ने ले लिया तो ऐसा नहीं होगा। आप उनके बारे में अपने बंसी को बोल देना कि आप उनसे टकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। फुल्ली लोडेड है, हिला तो घोड़ा दबा दूंगा। फिर मुलाकातें होंगी। ओके, वक्त और जगह बता देना, मैं आ जाऊंगा। चल यहां से। सुनो बंसी दादा, एक जमाना था जब अपन इन्हीं दोनों हाथों से पैसे लुटाया करता था। वो बात तब की थी। जमाना बदल गया दादा, डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा। चेक दे दो मुझे, वो भी किसी कन्या का चेक। बाप के नाम से जान जाएगा, तू नहीं, तेरा बाप मुरादाबादी पहाड़ सिंह। बरसों पहले तेरे बाप ने जिस एंड्रोस को मार भगाया था उन्हीं का लौंडा हूँ। उस एंड्रोस को जानते हो ना? तो मामला ये है, आपने उस बाप का बदला चुकाने के लिए तू मेरे पास आया है।